Hello dear students, now I am going to start class 2nd mathematics Prachi publication chapter number 14 patterns. First page jo hai, page number 158, yahan pe hame geometrical patterns given hai. Observe karna hai hame pattern ko aur usi sequence ko hame aage badhana hai. Yahan par hame ek activity given hai. Look at the following patterns and extend the sequence. Aap dekh rahe hain यहाँ पे सीक्वेंस किस तरह से दी है, ओपन माउथ देन क्लोज, ओपन देन क्लोज. तो हम इसी को सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे, ओपन क्लोज ओपन क्लोज. सेकंड क्वेश्चन में सर्कल देन ट्रायंगल, सर्कल देन ट्रायंगल, हम इसी सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे, सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल. नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा, उसमें आप देख रहे हैं जो राइट एंगल है इस तरह से अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन में रेक्टेंगल ट्राइंगल, रेक्टेंगल ट्राइंगल, इसी सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे, रेक्टेंगल ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट टी अप डाउन, इसी तरह से टी अप डाउन. तो यहाँ पर आपका पेज नंबर 158 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पेज नंबर है आपका पेज नंबर 159. इसमें हमें बताया गया है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस. यहाँ पे देखिए, यहाँ शेप जो है स्ट्रेट है और यहाँ स्लैंट, स्ट्रेट स्लैंट स्ट्रेट स्लैंट स्ट्रेट स्लैंट. इसी सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे हम. यहाँ पर एक छोटी सी लिप दी है, डिज़ाइन दिया है, देन रेक्टेंगल डिज़ाइन देन रेक्टेंगल. तो इसी सीक्वेंस को हम कंप्लीट करेंगे, डिज़ाइन then rectangle, design, then rectangle. इस तरह से आपको ये sequence complete करनी है. जैसे दिया है toffee, then pentagon, toffee, then pentagon. तो आप इस तरह से toffee बनाइए. pentagon, then toffee. इसी तरह से मग देन ग्लास, मग देन ग्लास. आप इस सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे, मैं आपको बताते जाऊंगी, उसी को आप फॉलो करेंगे. अब जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसा आप ड्रॉ करते जाइए. मग देन ग्लास, मग देन ग्लास, यहाँ मग ड्रॉ कीजिए, देन ग्लास मग देन ग्लास. ट्राइंगल रेक्टेंगल, ट्राइंगल रेक्टेंगल, इसी सीक्वेंस को कंप्लीट करके अगले बॉक्स में ट्राइंगल, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्राइंगल, फिर रेक्टेंगल. यहाँ कैंडल बेल, कैंडल बेल, नेक्स्ट आप बनाइए कैंडल, फिर बनाइए बेल, फिर कैंडल, फिर बेल. इसी तरह से क्रॉस देन शेप, यहाँ पे जो दिया है शेप आप कोई भी नाम दे सकते हैं इस शेप को, देन क्रॉस देन शेप, क्रॉस शेप क्रॉस एंड शेप. ठीक है, बॉल सर्कल, बॉल सर्कल, फिर आप ड्रॉ कीजिए बॉल देन सर्कल, बॉल देन सर्कल. इसी पेज पर 159 पर हमें एक और एक्टिविटी गिवन है, फिल इन द मिसिंग शेप इन द ईच पैटर्न. वन इज़ ऑलरेडी डन फॉर अस, इसी को देखते हुए हमें मिसिंग सीक्वेंस कंप्लीट करनी है. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कैसे सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर लाइन यहाँ शिफ्ट हुई, फिर उसके अगले कॉर्नर पे, अब इसके बाद नीचे वाले कॉर्नर पे आना चाहिए. अगर हम सीक्वेंस को देखें तो जो लाइन है वो कॉर्नर चेंज कर रही है. तो यहाँ पर है तो नेक्स्ट आपका लाइन यहाँ होनी चाहिए और सर्कल उसके सामने. ठीक है, फिर इसी तरह से ट्रायंगल रोटेट हो रहा है, अभी ट्रायंगल का पोजीशन का जो कॉर्नर है यहाँ पर है, फिर ये जो कॉर्नर है ये चेंज होके अब यहाँ आ रहा है. इसी सीक्वेंस को अगर हम चेंज करते हुए बनाएंगे तो अभी हमारा ट्रायंगल का जो सीक्वेंस है वो इस तरह से होना चाहिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक ब्लैंक है, वन पे कलर है, फिर ब्लैंक, फिर कलर. तो आप इसी पिक्चर में अब ब्लैंक बनाएंगे, एक बार ब्लैंक बनाना है, एक बार कलर्ड.
नेक्स्ट आपका होमवर्क है, इसे आप अपने होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह से आपका पेज नंबर 159 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 160 पर हमें टॉपिक गिवन है कंटिन्यू द फॉलोइंग पैटर्न। हमें इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। पहले वन लाइन है, फिर टू लाइन, देन थ्री लाइन। पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे फोर लाइन, देन फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, देन सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसी तरह से वन सर्कल, टू सर्कल, थ्री सर्कल। पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे फोर सर्कल्स, फाइव सर्कल्स एंड सिक्स सर्कल्स। इसी तरह से वन ट्राइंगल, टू ट्राइंगल, थ्री ट्राइंगल, फोर ट्राइंगल्स फाइव ट्राइंगल्स एंड सिक्स ट्राइंगल्स। इसी तरह से टू लीव्स, थ्री लीव्स, फोर लीव्स। अब इसी पैटर्न को हम कंटिन्यू करेंगे फोर के बाद फाइव लीव्स, इसी तरह से हम सिक्स लीव्स बनाएंगे, फोर लीव के बाद फाइव, फाइव के बाद सिक्स, सिक्स लीव्स ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से जैसे आपसे बनती है आप वैसे बना लीजिए, और उसके बाद लास्ट में आप बनाएंगे सेवन लीव्स। ओके इसी तरह से हमें पेज नंबर 160 पर एक और एक्टिविटी गिवन है कंटिन्यू द फॉलोइंग पैटर्न। अब देखिए आप यहाँ पे काउंट कीजिए कितनी लीव्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। नेक्स्ट फिगर में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यानी एक एक लीव कम हो रही है, ये डिक्रीजिंग पैटर्न है। सिक्स, तो अब सिक्स के बाद फिर अब कितनी बचेंगी, अगर लीव कम होती जा रही है तो फिर अब हमारे पास कितनी लीव बचनी चाहिए, फाइव लीव्स। उसके नेक्स्ट में कितनी बचनी चाहिए, फोर लीव्स, और फिर नेक्स्ट में कितनी बचनी चाहिए, थ्री लीव्स। इस तरह से हमारे पास हमें ये पैटर्न कंप्लीट करना है। इसी तरह से नेक्स्ट फिगर में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एरोज है, देन सिक्स एरोज, देन फाइव एरोज। तो अभी इसी में हमारे पास बचेंगे फोर एरोज, वन टू थ्री फोर, देन थ्री एरोज, देन टू एरोज। इस तरह से आपका पेज नंबर 160 यहाँ पर कंप्लीट होता है।